पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक सप्ताह तक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए काम किया जाएगा कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें, सावधान रहें और यात्रा करते समय एक दूसरे का ख्याल रखें। मुरादाबाद के RTO कार्यालय पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के शुभारंभ के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक राजेश कुमार उर्फ चुन्नू SP ट्रैफिक अशोक कुमार ने पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी को यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की। इस दौरान यह बताया गया कि सप्ताह तक समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, इसमें स्कूली बच्चों की मदद भी ली जाएगी। इस दौरान IT विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने इस कार्यक्रम में सभी लोगों से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की और समाज में एक संदेश देने के लिए विभाग का सहयोग करने के लिए भी सभी से कहा गया। सर, द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे और क्या चेकिंग के दौरान उसको इस्तेमाल किया जाएगा क्या? देखिए, सड़क सुरक्षा सप्ताह आज से प्रारंभ होकर आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। इसके तहत प्रत्येक दिवस अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसमें लोगों को जागरूक करने से लेके इन्फोर्समेंट की कार्रवाई तक सब इसमें योजना इसकी बनाई गई शासन के स्तर से, उसका हम लोग बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे महानगर के लोगों से? देखिए, ये ऐसी चीज़ें नहीं है जो किसी को पता नहीं है, लेकिन यह है कि इसके बारे में जागरूकता जितना हम कर सकते हैं स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से ड्राइवरों की ट्रेनिंग करके ड्राइवरों को जागरूक करके अधिक से अधिक ड्रंक एंड ड्राइविंग ना करें, सीट बेल्ट लगा के यात्रा करें और दुपहिया वाहनों से अनुरोध रहेगा कि वो हेलमेट लगा कर ही यात्रा करें। तो यही सब बातें उनको जागरूक करने के लिए जगह जगह हम विभिन्न माध्यमों से उनको जागरूक करने का प्रयास करें। थैंक यू। सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये शासन के आदेश से वर्ष भर में 4 सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाए जाते हैं, जिसमें द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है। प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह 22 जुलाई से 7 दिन के लिए आयोजित हुआ था और द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 24 सितंबर से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस क्रम में आज जो है इसका उद्घाटन समारोह था, विचार गोष्ठी के जिसमें माननीय विधायक काठ मुरादाबाद आए थे मुख्य अतिथि के रूप में। सभी इसमें अन्य स्टेक होल्डर्स डिपार्टमेंट जिसमें पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, UPSRTC, परिवहन विभाग, सभी विभागों के अधिकारी सम्मिलित हुए थे। और आज से प्रारंभ हो रहा है, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम है निर्धारित है, 7 दिन चलेगा। क्या अपील करना चाहेंगे महानगर की जनता से? जी, महानगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? महानगर की जनता से, ग्रामीण और देहात दोनों क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहेंगे कि वे यातायात नियमों का पालन करें, दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, दो पहिया वाहन पर पीछे जो बैठी सवारी है वे भी हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, चार पहिया वाहन के चालक और आगे बैठी जो भी सवारी है या व्यक्ति हैं वे सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, यातायात नियमों का पालन करें, ड्रंक एंड ड्राइविंग न करें, मोबाइल फ़ोन का प्रयोग उस समय न करें जिस समय वाहन चला रहे हों, अपने वाहन के पीछे रेट्रो रिफ्लेक्टिव टेप अवश्य लगाएं, प्रेशर हार्न का प्रयोग न करें, ओवर स्पीडिंग न करें, नशे की हालत में गाड़ी न चलाएं, ये सारे नियमों का पालन करें जिससे दुर्घटनाएँ कम हों और सड़क दुर्घटनाओं फलस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। धन्यवाद।